तो यार टाइटल आपने वीडियो का देख लिया, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो कर देता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डॉबिनॉस, वेलकम टू दी ऑसला दी अनबॉक्सिंग। तो आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग लैपटॉप की। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2 लाख है, आज हम इस प्राइस रेंज की बात करेंगे। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ यार, अगर आपका बजट 90,000 से कम है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही की है, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने नहीं चाउट किया, अगर आपका बजट कम है तो उसको चाउट कर लेना, आपके लिए वो परफेक्ट डील हो सकती है। अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 लेके 1,10,000 है, इस प्राइस रेंज से स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 है, इस प्राइस रेंज में यार मैंने रखे हैं 2 लैपटॉप। ये दोनों लैपटॉप आपको बहुत पसंद आने वाले हैं एंड इसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत अपर देखने को मिल जाते हैं। तो यार अगर आपने गेमिंग भी करनी है, लास्टिंग भी करनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, फोटो एडिटिंग भी करनी है, एज अ डेवलपर यूज करना चाहते हो, एज अ क्रिएटर यूज करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने ऑफिस वर्क के लिए भी इसको यूज करना है, आप कर सकते हो। मतलब कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, आप इन दोनों लैपटॉप में कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है असूस रॉक सेट्रिक्स को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, स्टाइलिश डिजाइन तो देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड है, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 की भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर यार मैंने रखा है असूस रॉक ज़ेफिरस G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, 2020 में सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये लैपटॉप है, बिकॉज इसका स्टाइलिश डिजाइन मिल जाता है, डुअल फैन मिल जाता है, एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, बिकॉज प्लस सॉरी इसकी बैक साइड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो यार दोनों के स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े होने वाले हैं। अभी बात करते हैं थोड़ी सी डीपली। तो यार असूस रॉग सेट्रिक्स की बात करूं, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, 15.6 इंच फ्लैश टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है, जो कि आपको 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बातों को i7 देखने को मिलेगा, स्टोरेज की बातों को 16 GB रैम देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको GTX 1650 Ti 4GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। प्राइस की बातों को 85,000 से लेके इसका प्राइस आपको 95,000 के बजट में असूस रॉग सेट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया असूस रॉग सेट्रिक्स के। तो भाई अगर आप एज अ वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं असूस रॉग ज़ेफिरस G14 की। तो यार डिस्प्ले की बात करो, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं, आपको AMD राइजन 5 देखने को मिलेगा 4600HS के साथ। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, NVIDIA G4 RTX भी मिल जाएगा, GTX भी मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं, 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, आपको 90,000 के बजट में, मतलब 90,000 से स्टार्ट हो जाती है इसका बजट। तो यार आपको 1.5 लाख के बजट तक भी देखने को मिल जाएगी। मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, जितना पे कर सकते हो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए। अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो यार अगर आपका बजट प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ असूस रॉग सेट्रिक्स आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आप पे कर सकते हो 1,10,000, तो असूस रॉग ज़ेफिरस G14 आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो इस प्राइस रेंज में यार मैंने रखे हैं 3 लैपटॉप, ठीक है। 2 आते हैं फॉर गेमिंग के लिए। अगर आपने गेमिंग भी करनी है, लास्टिंग भी करनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, फोटो एडिटिंग भी करनी है, या कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पर काम करना है, आपके लिए 2 लैपटॉप बताऊंगा। प्लस भाई अगर आपने एज अ प्रो काम करना है, एज अ प्रोफेशनल काम करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, आपके लिए मैं बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है एसर प्रेडेटर को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, अगर आपने गेमिंग करनी है, लास्टिंग करनी है, उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर मैंने रखा है असूस टफ गेमिंग A15 को। ये लैपटॉप भी गेमिंग के लिए बेस्ट है, लास्टिंग के लिए बेस्ट है, वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है। प्लस भाई अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पर यार मैंने रखा है HP Spectre X360 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, अगर आप एज अ प्रो काम करना चाहते हो, एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, ऑफिस वर्क में यूज़ करना है, एज अ डेवलपर यूज़ करना है, एज अ क्रिएटर यूज़ करना है, एज अ फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ करना है, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करना है, 4K ट्राई करना चाहते हो, एज अ एनिमेशन करते हो, 3D एनिमेशन करते हो, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो आज तक का, ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस इंटरनेशनल क्रिएटर्स इस लैपटॉप को बहुत पसंद करते हैं, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है, जो कि आपके लिए बेस्ट डील हो जाएगी। अभी बात करते हैं तीनों के मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ।
तो यार एसर प्रेडेटर की बात करूँ, पहले डिस्प्ले की बात करें कि 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूँ 16 GB रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल आप कह सकते हो, प्लस आपको 1 TB HDD देखने को मिल जाती है, प्लस 256 GB SSD देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, बहुत तगड़ा है भाई। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, लास्ट टाइम भी आपकी इजीली करवा देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ आपको 45 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ दिवाली फेस्टिवल में इसका प्राइस कम हुआ था, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलता था 1 लाख के बजट में, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको 1,30,000 के बजट से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो अगर आपका इतना बजट है आप चल जाना। आगे बात करते हैं सुस्त ऑफ गेमिंग 15 की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि IPS लेवल पैनल डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको AMD Ryzen 7 देखने को मिलता है 4800H के साथ। स्टोरेज की बात करूँ आपको 16 GB रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB HDD देखने को मिलती है, प्लस 256 GB आपको SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 48 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ दिवाली फेस्टिवल में इसका प्राइस 92,000 के बजट में मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, आपको देखने को मिलेगा 1,20,000 के बजट में। ASUS TUF Gaming A15। अभी बात करते हैं नंबर वन पर मैंने रखी है HP Spectre X360। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ बहुत जन्नत होने वाली है, बिकॉज आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती है 50.6 इंच के साथ, जो कि टच स्क्रीन है HP पेन के साथ देखने को मिलेगी, उसके साथ आप यूज़ कर सकोगे। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 देखने को मिल जाता है 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बातों को 16 GB रैम मिल जाती है, 512 GB आपको SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 1660 Ti मिल जाएगा 4 GB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को थोड़ी आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ आपको 1,20,000 के बजट में HP Spectre X360 ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको तीनों ही लैपटॉप्स के बता दिए, तीनों लैपटॉप पूरे परफेक्ट है अपनी अपनी जगह, ठीक है। अगर आपने गेमिंग करनी है 2 लैपटॉप बता दिए बहुत ज़्यादा सही है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है फोटो एडिटिंग करनी है आप उसके अभी जा सकते हो, अगर आपने एज आ प्रो काम करना है आपके लिए HP Spectre X360 बहुत ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है, आप जा सकते हो। इंटरनेशनल क्रिएटर्स बहुत पसंद करते हैं, अगर आपने वीडियोज़ वगैरह चालू करनी है आप कर सकते हो, प्लस इनके बाइंग लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आपने डीपली चालू करना है खुद देखना चाहते हो आप देख सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूँ आप जा सकते हो एप्पल मैकबुक प्रो की और या एप्पल मैकबुक 13 की, ठीक है। बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि आपने 16 GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है 4K में ट्राई करना चाहते हो तो 16 GB रैम तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप 32 GB रैम की और जा सकते हो आपके लिए वो तो बहुत जन्नत होने वाली है, लेकिन 16 GB रैम मिनिमम होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यार मैंने अभी आपको इतने लैपटॉप बता दिए, आई होप कि आपको मेरी रिव्यू अच्छी लगी। अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना। प्लस मैं आपको ये भी चीज़ कह देना चाहता हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी लैपटॉप ले लेते हो, अगर आप 90,000 के बजट में ASUS ROG से ट्रिक्स भी ले लेते हो ना, आपके पैसे खराब नहीं होने वाले, उसमें भी आप 4K ट्राई कर सकते हो। आपको 16 GB रैम मिल जाती है, i7 मिल जाएगा, 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि यही स्पेसिफिकेशन तो चाहिए होते हैं फॉर वीडियो एडिटिंग के लिए, फॉर फोटो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के लिए। अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, अगर आपने गेमिंग करनी है, लास्ट स्ट्रीम करनी है, आप सभी के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है अगर आप 90,000 के बजट में भी वो लैपटॉप ले लेते हो। अगर आप 2,000 के बजट में एप्पल मैकबुक प्रो ले लेते हो, वो तो सभी को पता ही है कि आपको कैसे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो यार एप्पल तो बनी फॉर क्रिएटर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी, आप सभी के लिए यार। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।